स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून हाँ जी, एट्थ क्लास मैम। से अब मुझे ये बताओ, इको आ रही है? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो, कहाँ से? पहले पहले एट ए वाली, ए एट ए, कैन यू हियर मी? वन एट बी, एबी एट सी, एट सी, एबी सी का माइक वर्क नहीं कर रहा। नाउ इट इज ओके, नाउ इट इज ओके। कहाँ से आ रही है? चलिए जी, लास्ट क्लास में वो फिनिश्ड ऑफ विद रैशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी, कुछ उसमें दिक्कत तो नहीं है? नो चलिए, सो अभी आपने स्कूल में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट किया है? चलिए, कर लिया फिनिश किया, अभी चल रहा है? कर लिया ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले तो जो चैप्टर का नाम है उसी में से एक-एक चीज को उठाएंगे, डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन क्या दो अलग-अलग बातें हैं या एक ही बात? वन इज एलजेब्रिक इक्वेशन एंड अनदर इज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या ये दोनों अलग अलग बातें हैं या एक ही बात? एक ही बात है। एक अच्छा चलो, मैं एक रियल, मैंने 2x² + 3x + 5, और एक लिखती हूँ 2x² + 3x + 5 = 0। बच्चों, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये है इक्वेशन। वेन एवर आई यूज द वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब आई एम इक्वेटिंग टू थिंग्स। यहां पर मैं सिर्फ एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, नॉट इक्वेटिंग इट टू एनीथिंग एल्स। हाँ है। सो व्हेन एवर आई टॉक अबाउट एन इक्वेशन, देर हैज टू बी एन इक्वालिटी का साइन, तभी इक्वेशन बनेगी, अदरवाइज वो इक्वेशन नहीं बन सकती। ठीक है जी, तो पहली बात, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, एवरीथिंग इज देयर। जो कुछ चीजें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पड़ी हैं वो सारी की सारी इक्वेशन में है, लेकिन उसके साथ साथ इक्वल टू समथिंग इज देयर। नॉट नेसेसरी इट इज इक्वल टू 0, इट कैन बी इक्वल टू 2, इट कैन बी इक्वल टू साइन। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दो इक्वेशन, दो चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए तभी वो इक्वेशन बनती है, अदरवाइज वो इक्वेशन नहीं बनती। दूसरी बात, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? ये जो मैंने लिखा, इज इट अ लीनियर इक्वेशन और अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ जी, क्लियर है? जरा ध्यान दें, इक्वेशन यहां पर हर पे पावर ऑफ हाईएस्ट इट इन माइक पोजीशन। मैम, थोड़ा सा आप आगे पीछे करिए ना, आई शायद आपके एंड थोड़ा एम माइक की पोजीशन करके देखिए एक बार। हाँ, एक बार ऑफ ऑफ करके देखिए, एक जब जरूरत हो तब ऑन कर लें। हाँ जी, अभी अभी आप ऑफ ही रखिए, बार ऑफ। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो माइक ऑन करके फिर आप आंसर करेंगे, ठीक है? अदरवाइज इसको ऑफ ही रखें। हाँ जी, यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी आ रही है? दो। दो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या बताती थी? डिग्री। डिग्री कितनी है इसकी? दो। अगर जब डिग्री दो हो तो वो होता है क्वाड्रेटिक, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर में डिग्री कितनी? डिग्री फॉर अ लीनियर एक्सप्रेशन इज वन, मतलब जो वेरिएबल आपके पास आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर शुड बी वन, नॉट मोर देन दैट। अगर वन से ज्यादा हो गई तो वो लीनियर नहीं रहती। अब मैं एक एक्सप्रेशन लिख रही हूं, आई राइट 2x + 3 = 0।
Can I say this to be linear equation in one variable? Highest power one है variable की. Equal to sign exist कर रहा है, मतलब equation है. Highest power one है, इसलिए linear है. और एक ही variable आ रहा है x in variable. Now if I write 2x plus 3y minus x is equal to 0. सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये linear equation है? Is it a linear equation? No. ये linear नहीं है? No. क्यों नहीं है? Give me the reason why it is not linear. Linear की पहचान हमने क्या बताई? Linear की पहचान हमने बताई कि वेरिएबल की पावर एक से ज्यादा नहीं होती. क्या यहाँ वेरिएबल की पावर एक से ज्यादा है? वेरिएबल चाहे दो बने लेकिन पावर तो दो जगह बनी है. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन बट इन टू वेरिएबल्स. बच्चों लीनियर का मतलब है highest power of variable one. इससे ऊपर power नहीं होनी चाहिए. Number of variable जितने मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है जी. So this is the linear equation in one variable. This is linear equation in two variable. I can write linear equation in 10 variables also. Suppose मैं लिख दूँ 2x plus 3y plus 7z minus 3 is equal to 0. अब linear variable कितने हो गए हैं अभी? तीन. So that will be a linear in variables. Eight थे बच्चों. इसको बंद ही रखिए. चलिए जी. तो ये बात हुई हमारी लीनियर इक्वेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं? अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या हैं? लीनियर का मतलब क्या है और वेरिएबल्स कितने हैं वो. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन. सॉल्यूशन और रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन. जो हमारे पास जनरल लीनियर इक्वेशन है वो कैसे लिखते हैं हम? जनरल लीनियर इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी. लीनियर जनरल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एक ही वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, तो दो टर्म्स हो सकती हैं, एक्स वाली और साथ में कांस्टेंट. अब अगर मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए या रूट चाहिए तो उसका मतलब क्या है? वो एक्स की वैल्यू जो इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर दे, ट्रू कर दे. लेट अस से मेरे पास है 2x माइनस इक्वेशन. मतलब मैं क्या चाह रही हूं आपसे? मैं चाहती हूं x की वो वैल्यू बताओ जो मैं इसमें डाल दूं तो ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड. और वो कैसे आप निकालते हो? 2x इज इक्वल टू 5x. अगर 5 बाय 2 वैल्यू डाल दूं तो 5 माइनस 5 आंसर इज बिकमिंग 0. सो आई से 5 बाय 2 is root of this equation. Root kya hoti hai? That value of a variable which justifies the equation, which makes left hand side of the equation equal to the right hand side. Wo hoti hai root. Yahan tak baat samajh mein aayi? Yes. Haan ji bachcho, is it okay? Chaliye ji, fir module 1 apna khol lo fatafat se. Assertion reason karte hain pehle. Check out your module 1, linear equation in one variable. चलो जो भी है, नंबर जो भी है उस पर नहीं जाना हमें. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो भी मॉड्यूल अभी आपको मिला है वो खोलेंगे एंड विल गो फॉर असर्शन रीजन. फर्स्ट असर्शन सेज अलजेब्रिक इक्वेशन. बोलिए जी, इज इट एन अलजेब्रिक इक्वेशन? 2x plus 5 is equal to 3. क्या ये अलजेब्रिक इक्वेशन है? कैन आई से दिस टू बी एन अलजेब्रिक इक्वेशन? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या अलजेब्रिक इक्वेशन है? अलजेब्रिक इक्वेशन. पर इक्वल टू का साइन आ गया, सो दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशन. तो असर्शन हो गई मेरी ट्रू. अब रीजन देखते हैं. एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स. इट सेज दैट द वैल्यू ऑफ टू द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द अदर साइड. इक्वालिटी का मतलब यही है. अगर मैंने इक्वल टू साइन पुट किया, इसका मतलब मैं कह रही हूं कि ये वैल्यू इसके बराबर. The expression on left hand side is same as the expression on right hand side. Equation बन ही तब यही वाला है ना आपके पास मॉड्यूल? हाँ जी, 8A में से या 8B में से कोई भी बता दो मुझे. Do you have this? Ma'am, no.
No. एक बच्चा assertion reason क्या है आपके मॉड्यूल में पहला वो बता दूँ. Which one is the first module? Anyone from say 8 भी कम नहीं आता माइक ये जो माइक के साथ बैठे हैं वो बता दूँ. आपके पास जो मॉड्यूल है उसमें क्या है वो बता दूँ. मैं मॉड्यूल 4. ओके मॉड्यूल 4 इज ओके. क्वेश्चन कोई बोलो assertion reason बोलो क्या है उसमें. मैम assertion in a equation of values of left hand side are equal for certain values of the variables. These values are the solution of the equation. मतलब आपके पास मॉड्यूल ही कोई ऑप्शन है. एक मिनट वेट कर. एक मिनट जो आपके पास मॉड्यूल है एक तो एट थे वाले अपना वो बंद कर दें जरा बहुत सारा इको आ रही है. एक सेकंड बच्चों वेट मिनट. असर्शन रीजन तो इसमें से करा दूंगी लेकिन क्वेश्चन तो पहले वही बेसिक वाले कराने पड़ेंगे. चलो जी कोई बात नहीं. अभी हम जो आपके पास मॉड्यूल है आई विल ब्रिंग दैट. अभी आप चलो मैं यहाँ लिख रही हूँ जरा बताना मुझे. मैंने यहाँ पर लिखा 6x² + 6x + 5 7 - 3x x + y + z. दीज आर एलजेब्रिक इक्वेशंस. आर दीज एलजेब्रिक इक्वेशंस? नो नो दीज आर एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड नॉट एलजेब्रिक इक्वेशंस. रीजन यहां पर दिया है An algebraic expression is any mathematical statement which consists of variables and arithmetic operations. Is it okay? ये तो गलत हो गया क्योंकि ये algebraic expressions हैं equations नहीं हैं. अब reason दिया गया an algebraic expression is any mathematical statement which consists. Is it correct? Yes. तो अगर आपका assertion false है reason true है तो answer क्या हो जाएगा? B हो जाएगा? Yes. ठीक है. लो जी अब आपके पास जो मॉड्यूल है उसका फर्स्ट assertion देखो. First assertion says in an equation the values of the expression on the left hand side and right hand side are equal for certain values of the variable. Right or not? Yes. अभी अभी हम करके हटे हैं कि root या solution of equation क्या होता है. ऐसी value variable की जो left hand side को right hand side के equal बना दे. तो ये correct हो गया. Reason in an equation to the other. False. अगर मेरे पास इक्वेशन है 2x - 3 = 3x + 5 जो हम ट्रांसपोजिशन का मेथड यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए उसमें हम वेरिएबल को एक साइड से दूसरी साइड या कॉन्स्टेंट को एक साइड. नो प्रॉब्लम इन दैट. इसका मतलब असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो आंसर क्या बनेगा. आगे चलो. टू फाइंड द सोल्यूशन टू एन इक्वेशन वी परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन so that the balance between the left hand side and right hand side is not disturbed. To find solution to an equation, suppose mujhe equation di hai 2x + 3 = 7 find out karna. To mujhe kya kaha ja raha hai, hum same operation is equation ki dono taraf agar laga dein to equation ka balance nahi bigadta. Is it okay? Matlab main agar dono taraf suppose kahun 1 add kar do to kya meri equation hai. You think about a balance. वो जो समान तो उसमें अगर आप एक तरफ 1 kg का वेट रख रहे हो और दूसरी तरफ जो चीज आप ले रहे हो 1 kg रखो तो balance बन जाएगा. अब अगर एक साइड पे मैंने 100 grams और रख दिया वेट और दूसरी तरफ उसकी इक्विवेलेंट कुछ सामान जो भी हम ले रहे थे वो रख दिया तो क्या बैलेंस बिगड़ेगा? पहले 1 kg आपने एक उसमें रखा दूसरी तरफ 1 kg सामान रख दिया बैलेंस आ गया. अब वेट में 100 ग्राम ऐड किया तो क्या बैलेंस बन जाएगा या ऊपर नीचे हो जाएगा? बनेगा. सो अगर एक ऑपरेशन एक तरफ कर रहे हो वही सेम ऑपरेशन दूसरी तरफ भी कर दो तो बैलेंस तो मेंटेन रहेगा इक्वालिटी तो मेंटेन रही. यही बात यहाँ पे कही जा रही है. टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इफ वी परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. देख लो आप जरा इस बात को समझो. अगर मैंने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है
तो हम क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब मुझे एक्स की वो वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करते हैं। तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं, हम कहते हैं कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक्स बचाना है, बाकी सब कुछ यहां से हटा देना है। तो मैं एक ऑपरेशन लगा रही हूं मैं कि फ्रॉम बोथ द साइड्स कैन आई डू इट और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। यस, सेम ऑपरेशन दोनों तरफ किया तो ये इक्वालिटी नहीं बिगड़ी। एक तरफ मैं तीन माइनस कर देती, दूसरी तरफ तीन ऐड कर देती तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एक तरफ 100 का वेट ऐड कर दिया और दूसरी तरफ 100 निकाल दें तो गड़बड़ है, नहीं चलेगा। सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैंने सेम ऑपरेशन दोनों तरफ लगाया तो मेरा बैलेंस नहीं बिगड़ रहा, इट रिमेन्स वेयर इट वाज, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। तो क्या ये असर्शन ट्रू है या नहीं? चलिए जी, रीजन दे रहे हैं, अ लीनियर इक्वेशन, रैशनल नंबर आप पढ़ चुके हो, किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। इज इट ओके और नॉट? जब आप दूसरी इक्वेशन फॉल्स, आंसर रैशनल बिल्कुल हो सकता है। सपोज मेरे पास इक्वेशन है 2x plus 5 is equal to 0. अगर मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है, बताओ जरा कैसे निकालूंगी सोल्यूशन? व्हाट शुड आई डू टू फाइंड द सोल्यूशन? 2x is equal to 0 minus 5. 2x is equal to 0 minus 5. What I am doing? I am subtracting 5 from both the sides to maintain the balance. अभी हम बात करें, हम दोनों तरफ करना पड़ेगा और 5 को ही क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि इस साइड पर मुझे सिर्फ ये वेरिएबल वाली टर्म बचानी है, बाकी कुछ बचाना ही नहीं। तो वेरिएबल के अलावा जो भी कुछ पड़ा है वो फिनिश करना है। फिनिश करने का मतलब यहाँ प्लस नहीं मेरे पास, ये और ये कैंसिल, 2x is minus 5. अब मुझे वैल्यू x की चाहिए लेकिन पड़ा क्या है 2, तो मैं क्या करूंगा? अब x is equal to minus 5 से डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2. जब दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा? x का minus 5 by 2. Is minus 5 by 2 a rational number? Yes. It means rational numbers solution हो सकते हैं मेरी equations के। तो यहाँ पर आपका पहला point correct है कि जब हम same operation दोनों तरफ लगाते हैं तो equation का balance बिगड़ता नहीं है। दोनों तरफ 5 minus किया या दोनों तरफ 2 से divide किया तो equality maintained रही, वो balance आपका गलत खराब नहीं हुआ। लेकिन मेरे answers rational number बन सकते हैं। तो रीजन ट्रू है, सॉरी assertion ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी सी। आगे चलते हैं। इफ 9 इज एडेड टू अ नंबर इट बिकम्स 25। द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज x plus 9 इज इक्वल टू 25। इज इट ओके? यस। मुझे क्या कहा जा रहा है? इफ 9 इज added to a number, कोई fixed number नहीं बोला गया। अगर कहा जाता 9 is added to 3 और 9 is added to 2, तो मुझे पता था कि 2 में 9 add करना। आप कह रहे 9 is added to a number, I don't know the value। अगर value पता नहीं है तो उसके लिए हम क्या use करते हैं? Variables। तो मुझे कहा गया when a number is added to 9 the result is 25, so इस वर्ड्स को हम मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं x plus 9 is equal to 25। तो ये हो गया करेक्ट रीजन। लीनियर इक्वेशंस कैन हैव ओनली नेचुरल नंबर्स एज देयर सॉल्यूशंस। हाँ जी, False. अभी हमने देखा कि रैशनल नंबर भी सोल्यूशन बन सकता है, इंटीजर भी सोल्यूशन बन सकता है, नेचुरल नंबर भी सोल्यूशन बन सकता है। तो ये हो गया आपका फॉल्स। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, अगेन द आंसर इज सी। चलिए जी, आगे चलते हैं, अगला सेशन रीजन टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ये अभी हम नहीं करेंगे आज, क्योंकि अभी ये टाइप की इक्वेशन आज हम डिस्कस नहीं करने वाले। आज हमें सिंपल इक्वेशंस के डिस्कशन करनी है। तो अभी फोर्थ जो आपका असर्शन रीजन है वो अभी हम छोड़ रहे हैं। अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं दैट आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। मेरे पास एक इक्वेशन दी है ए एक्स इज इक्वल टू बी। क्या दिया मुझे? ए एक्स इज इक्वल टू B, और साथ में दिया है a एंड b आर
पॉजिटिव नंबर्स. ए और बी कैसे नंबर है? पॉजिटिव नंबर. और क्वेश्चन बोला गया है द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी पॉजिटिव नेगेटिव 1 0. पॉजिटिव आंसर आएगा मेरे पास, नेगेटिव आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा, क्या आंसर आएगा? इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी. ए और बी को बोल दिया गया कि पॉजिटिव नंबर्स हैं. इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव होगा, वो 0 होगा, वो 1 होगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव. इसका सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने क्या करना है? दोनों साइड्स को ए से डिवाइड. ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सो एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, आई से ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन है, कंडीशन अभी भी यही, ए एंड बी आर पॉजिटिव. अब जरा मुझे बताओ मेरा सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा या 1 होगा? हाँ जी, नेगेटिव. ध्यान से सोच समझ के, जल्दी कोई नहीं है. पहले बताओ इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पहला स्टेप करोगे क्या? बी को दोनों साइड से माइनस करेंगे. बिल्कुल. मुझे x रखना है सिर्फ इधर, x वाले टर्म्स को रखना है, तो सबसे पहले ये जो ऐड हो रहा था इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट हियर, ए एक्स प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू 0 माइनस बी, ये कैंसल आउट हो गया. ए एक्स इज माइनस बी. अब क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ? माइनस बी बाय ए, ये मेरा सॉल्यूशन बन रहा है. बी कैसा दिया है? नेगेटिव. बी कैसा दिया था? पॉजिटिव. और ए भी कैसा दिया है? पॉजिटिव. ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, लेकिन एक नेगेटिव साइन बाहर पड़ा है साथ में. लेट अस से b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 2 है, एक नेगेटिव साइन पड़ा है, तो मेरा आंसर कैसा हुआ? नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव हुआ? नेगेटिव. 0 कैसे बना रहे थे? थोड़ा ध्यान रख के काम करना है हमें. हमें दिया था a और b पॉजिटिव हैं. अगर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो सॉल्यूशन मेरा माइनस बी बाय ए. ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एक नेगेटिव साइन साथ में आ गया, तो आंसर विल बी नेगेटिव. नेगेटिव. चलिए जी, अगला क्वेश्चन है आपका जो आपने मुझे सॉल्व करके देना है, दैट इज इक्वेशन है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 4, फाइंड x. जल्दी से x की वैल्यू बताओ, क्या निकालोगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. दोनों साइड पर वेरिएबल है अब आपके पास. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. व्हाट इज टू बी डन? माइनस इज इक्वल टू माइनस 7. एक्स इज इक्वल टू माइनस 7. देखो बच्चों, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप दो मेथड अडॉप्ट कर सकते हो. अभी सिंपल इक्वेशंस की बात हम कर रहे हैं. दो तरीके हमारे पास हैं. एक, मैं सेम ऑपरेशन दोनों तरफ लगाऊं, या दूसरा ट्रांसपोजिशन, मैं टर्म्स को एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट कर दूं. दोनों का इफेक्ट एक ही जैसा आता है. यहां पर पहले लेट अस से ट्रांसपोर्टेशन वाला काम हम कर रहे हैं. मैं क्या करूं, जितने दोनों तरफ वेरिएबल पड़े हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ इकट्ठा करना है और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है. तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये जब x इधर पड़ा था पॉजिटिव था, इधर शिफ्ट हो गया तो किस साइन के साथ आएगा? माइनस. ये 3 इधर पॉजिटिव था उस तरफ जाएगा तो माइनस.
2x - x - 4 - 3 - 7 सो दिस इज माय आंसर. ये हमने क्या मेथड लगाया, ट्रांसपोर्ट करने वाला मेथड. अब अगर हम बैलेंस मेंटेन करने वाले मेथड से चलने की बात करें तो मुझे क्वेश्चन को कैसे करना है, उसी से ये जो हम टर्म्स कहते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाओ नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाती है, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में चली जाती है, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में, उसका बेस यहीं से आ रहा है, कॉन्सेप्ट यहीं से उठाया गया है. देखो जी, वेरिएबल एक तरफ करना है, मैं क्या कहूं ये वाला वेरिएबल खत्म करना है मुझे, आई डू नॉट वॉन्ट दिस वेरिएबल ऑन दिस साइड. तो एक तरीका मैंने क्या किया, इसको उठा के इस तरफ ले आए, इस तरफ ले आए तो हमने कहा इधर प्लस था तो इधर माइनस था, तो पर एक्चुअली हुआ क्या है, सब्ट्रैक्ट एक्स ऑन बोथ दी साइड्स, जिससे कि ये कैंसल आउट हो जाए और 2x और माइनस एक्स, यहां x बन गया +3 = -4. दैट इज द रीजन एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों तरफ से माइनस कर रहे हैं x को. इसी चीज को मैंने एक दूसरे तरीके से कह दिया कि इस x को इधर ले जाओ और इसका साइन बदल जाएगा. इस मेथड का बेस ये है. अब मुझे x चाहिए, साथ में प्लस तीन पड़ा है, ये प्लस तीन को खत्म करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, ये कैंसल, ये x -4 - 3 - 7. तो मेरा कॉन्सेप्ट यहां से आ रहा है, आई वॉन्ट टू मेंटेन इक्वालिटी ऑन बोथ द साइड्स, दैट्स वाई आई एम कैरिंग आउट द सेम ऑपरेशंस ऑन बोथ द साइड्स. इसी को मैंने, आई एम एक्सप्रेसिंग इट इन अनदर वर्ड्स, कि जब भी आप टर्म्स की शिफ्टिंग कर रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड पर, एक साइड पर पॉजिटिव टर्म दूसरी पे जाके नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड में चले जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चले जाता है. ये बात समझ में आई कि क्यों हो रहा है ये, व्हाट इज द बेस. ठीक है जी, तो आप किसी भी मेथड से चल सकते हैं, इससे चलोगे तो ये सोचना नहीं है कि क्यों माइनस हो गया भैया, वो दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली होते चले जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है प्रोसेस. इसको समझ लो तो ये मेथड आपको लगाने में तकलीफ नहीं होगी, यू विल बी एबल टू मेक आउट कि व्हाई वी आर डूइंग इट. ठीक है जी, तो यहां पर मेरा आंसर है x = -7. लो जी अगला क्वेश्चन करो. इक्वेशन है आपकी 2 - x/3 = 4, फाइंड x. (2 - x/3 = 4). I want to find the value of x. (-x = 6). माइनस एक्स अगर 6 है तो एक्स क्या होगा, विल बी एक्स, मुझे तो एक्स की वैल्यू चाहिए. (x = -6) देखो जी, दोनों तरीके इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोजिशन वाला भी और सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स. मुझे सिर्फ x की टर्म चाहिए, यहाँ 2 पड़ा है, तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से 2 माइनस करना पड़ेगा. ये 2 - 2 बन गया (-x/3) = 2. अब मुझे सिर्फ यहाँ x बचाना है, मतलब ये 3 को कैंसिल करना है. 3 कहाँ पड़ा है, डिनोमिनेटर में, कैंसिल करने के लिए 3 चाहिए न्यूमरेटर में, तो क्या करूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 3, इधर भी 3 मल्टीप्लाई, इधर भी 3 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास, -x = 6.
सॉल्यूशन का मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू का मतलब है ये माइनस खत्म करना है, तो मैं क्या करूं दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स की वैल्यू माइनस सिक्स. I am selecting my operations in a way so that I am left with only the variable on one side and I finish off all other terms. तो अगर variable के साथ कुछ add हो रहा है तो उसी को subtract कर दे रहे हैं, कुछ multiply हो रहा है तो उसे divide कर दे रहे हैं, divide हो रहा है तो उससे multiply कर दे रहे हैं, एक तरफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ करना ही पड़ रहा है, कोई रास्ता और है नहीं मेरे पास. अब अगर मैं transposition वाला method लगाती तो मेरे पास है 2 माइनस एक्स बाय 3 इज इक्वल टू 4. तो मैं क्या कहती हूँ, ये दो जो इस तरफ पॉजिटिव है उधर ले जाओ नेगेटिव, ये तीन जो डिनोमिनेटर में पड़ा है डिविजन में पड़ा है दूसरी तरफ ले जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, तो न्यूमरेटर में चले जाएगा. माइनस एक्स 6 है तो एक्स की वैल्यू माइनस 6. ये ट्रांसपोजिशन का मेथड आसान दिखता है लेकिन जब तक ये समझ नहीं आएगा ये हमेशा कंफ्यूज करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड हम कर क्या रहे हैं. बेसिकली जब भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, इक्वालिटी की एक तरफ जो करेंगे वही दूसरी तरफ करेंगे तभी इक्वालिटी मेंटेन होगी, वरना मेंटेन नहीं हो पाएगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस. ठीक है जी, चलिए जी अगली इक्वेशन जरा आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व ओनली द इक्वेशंस सो दैट यू आर कंफर्टेबल विद सॉल्विंग द इक्वेशन, और आज सिर्फ सिंपल इक्वेशन की बात करेंगे, अगली क्लास में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस की बात करेंगे. आज हमारा काम सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना. लिखो जी, आपके पास है 8x माइनस 7 माइनस 3x इज इक्वल टू 6x माइनस 2x माइनस 3. जल्दी से सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है आपने मुझे. शाबाश, फटाफट फटाफट, लेट मी सी हु इज द फर्स्ट वन टू आंसर. जिसका आंसर आ जाएगा हैंड रेस करोगे, सब नहीं बोलेंगे, विल रेज योर हैंड, आई विल आस्क एंड देन यू विल आंसर. शाबाश, जल्दी से, अब कंफ्यूज मत होना. एक ही साइड पर दो दो वेरिएबल्स पड़े हैं, आई मीन एक साइड पर दो दो टर्म्स पड़ी हैं वेरिएबल वाली, और आपको मालूम है जब भी आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ बात कर रहे हैं तो लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना पड़ता है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. चलिए जी, जल्दी से कंबाइन करिए ये दो लाइक टर्म्स को, ये दो लाइक टर्म्स को, सिंप्लीफाई करिए और मुझे एक्स की वैल्यू बताइए क्या आ रही है. जल्दी से, बी क्विक. फोर. एक्स की वैल्यू 4. किसका आया आंसर? रेज योर हैंड. ओके, 8B से. आपका नाम बोले बेटा. नीत. नीत, ओके गुड बेटा, आंसर इज 4. फटाफट करो बाकी, जल्दी जल्दी, बी क्विक टू सॉल्व. हाँ जी, 8C से. जिस जिसका आंसर आता था सिर्फ हाथ खड़े करते जाना, सो दैट आई कम टू नो कि किस किसने सॉल्व कर लिया. जिस जिसका आंसर आता जाएगा हैंड थोड़ा अच्छे से रेज करना जो मुझे दिखे भी. हाँ, 8C से अभी हाथ खड़े हो रहे हैं, 2, 3, 4. जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बाकी. 8A से कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ अभी तक. 8B से आंसर आ गया है, सी में हैंड रेज हो रहे हैं ए से. सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना पड़ेगा. 8x माइनस 3x, सारे बोलेंगे क्या बनेगा 8x माइनस 3x? फाइव एक्स. ये माइनस 7 एज सच पड़ा है. यहां पर जब ये दो टर्म्स को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा? 6x माइनस 2x. 4x माइनस 3. हम
टर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला अगर मेथड लगा रहे हैं तो ये फोर है, जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इसका साइन बन जाएगा, और विल इट बी नेगेटिव? ये चार एक्स इधर से इधर तो ये पॉजिटिव का होगा, मैम नेगेटिव 5x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 7। ये माइनस दूसरी तरफ गया तो प्लस का सेवन। नाउ 5 माइनस 4x 1x This is 7 minus. So answer is 4. अब अगर हम एक क्वेश्चन हम बैलेंस वाले से भी करते हैं, अब आप लोग बताने हैं पहला स्टेप तो अगर मैं मेथड जो अप्लाई करना चाहती हूँ टू द सेम ऑपरेशन तो मुझे पहला स्टेप क्या करना है? एट में आप बच्चा माइंड अपना ऑफ ही रखते हो, अगर आपको आती है आप माइक ऑफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, आज आपके आंसर्स नहीं मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इको आती है तो फिर सबके लिए डिस्टर्बेंस है। हाँ जी, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? यहां 5x माइनस 7 इट इज 4x माइनस 3। मैं वेरिएबल को या मैं कहूं मैं इसको इधर शिफ्ट नहीं करना चाह रही हूं, मैं दोनों तरफ सेम ऑपरेशन लगा करके इधर से ये 4x को फिनिश ऑफ करना चाहती हूं, तो व्हाट शुड बी द स्टेप? सबट्रैक्ट। क्या सबट्रैक्ट करना दोनों तरफ? 4x from both sides. जब दोनों तरफ से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास जो इक्वेशन हो जाएगी दैट विल बी दिस। ये कैंसिल हो गया, यहां आ गया x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 3। नाउ आई वॉन्ट ओनली x ऑन दिस साइड, x के साथ माइनस 7 पड़ा है, तो अब इस माइनस 7 को एलिमिनेट करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू? Subtract 7 from both sides. अच्छा जी, subtract 7 from both sides, चलिए जो आप कह रहे हैं वो करते हैं। अगर बच्चों मैं दोनों तरफ से 7 को माइनस कर दूं, मेरा बैलेंस तो नहीं बिगड़ा, लेकिन क्या मेरा पर्पस सॉल्व हुआ? नहीं हुआ। यस, व्हाट आई नीड टू डू, एड 7 ऑन बोथ साइड्स, तभी ये माइनस 7 और प्लस 7 कैंसिल होगा, वरना तो नहीं हो पाएगा, और जो मेरा टारगेट था कि मुझे सिर्फ एक्स बचाना है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। ये याद रखना बच्चों, अगर मैंने दोनों तरफ माइनस 7 कर दिया बैलेंस नहीं बिगड़ा, लेफ्ट हैंड साइड इज स्टिल इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो गड़बड़ नहीं हुई है, इक्वालिटी मेंटेन्ड है, लेकिन मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। अगर मैंने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया 7 को तो मेरे पास बन जाएगा, My equation will be x minus 14 is equal to minus 10. गलती कुछ नहीं हुई है इसमें, लेकिन purpose defeat हो गया। मुझे ये साइड पर सिर्फ x चाहिए था, साथ में minus 14 भी आ गया, तो मेरा काम गड़बड़। इसीलिए instead of subtracting, I am adding 7 on both the sides, so that these two gets cancelled. I am left only with the x on this side, and this is 7 minus 3, that is 4. So solution of the equation is चलिए जी, अगला क्वेश्चन जल्दी से करना है और सिर्फ हैंड रेज करने हैं, जो जिसका आंसर आ जाएगा सिर्फ हैंड रेज करने। 26 माइनस विद इन ब्रैकेट 7y-9 इज इक्वल टू -2y। जब भी आप ब्रैकेट्स के साथ डील कर रहे हो और ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन आ जाता है, थोड़ा दिमाग को ज्यादा फोकस करके काम करना। आपको मालूम है अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव हो
तो ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर पड़ी हुई हर टर्म के साइन को क्या कर देता है? चेंज। प्लस को माइनस में ले जाता है, माइनस को प्लस में ले जाता है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन एवर यू हैव नेगेटिव साइन आउटसाइड अ ब्रैकेट. चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ हैंड रेज करे. I want only hand raise. And I am observing कहां से मुझे सबसे पहले आंसर मिल रहा है. All three sections, whosoever will raise the hand first, I'll inform others. शाबाश, जल्दी से जिसका हो गया hand raise कर दो बस. 8C से आंसर मेरे को, मतलब hand raise हो गया, आंसर करेक्ट है या नहीं उसकी बात अभी 2 मिनट रुक के करते हैं. 8C, one student has solved. Let us see what others are doing. 8B से भी हाथ खड़ा हो गया है. Good. Two hand raises from 8B. 8A. थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो बच्चा. माइक खराब है आप लोगों का, आपको काम करने से थोड़ी रोका है. 8A. Be quick. 8C से और भी हाथ खड़ा हो गया. 8B में दो ही हाथ खड़े हैं अभी तक. नीचे कर लो बच्चा, थक जाओगे. मैंने देख लिया कौन से दो हैं. तीन हो गए, तीन. चलिए चलिए जल्दी 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 जल्दी. 8C से भी हाथ खड़े हो रहे हैं, 8A से अभी तक एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ है. तो अब मैं आंसर्स, मैं स्टेप पूछूंगी 8A वालों से. देखिए जरा कहां फंस रहे हैं. अब माइक ऑन करना पड़ेगा 8A में से. अंशिका आ जा बच्चे, माइक के पास आ जा. थोड़ा सा बाकी कंफर्ट होगा. इको आ रही है. हाँ बेटा बोलो. पैर लो जी, खोलो. पूछ रही हूँ तो नहीं माइक ऑफ के बाद. माइनस सेवन ये नेगेटिव नाइन था, बाहर नेगेटिव. तो ये नेगेटिव इसको क्या बना देगा? पॉजिटिव. प्लस नाइन इज इक्वल यस टू. ठीक है जी, अंशिका जवाब. 8B में से, अब माइक ऑफ कर दो बच्चों, 8th अपना. हाँ, 8B में से, 8C में से जस्मीन फ्रॉम 8C. आ जाओ बच्चे, फटाफट आ गया, फटाफट जल्दी से. अगला स्टेप बताओ बेटा, क्या करना है मुझे? कट करना है इसको. बताओ क्या करूं मुझे? वेरिएबल, अगर ट्रांसपोर्ट करने वाली बात कर रहे हैं तो वेरिएबल एक तरफ लेके जाने हैं, कॉन्स्टेंट से एक तरफ रखने हैं. करवाओ क्या करूं आगे? 26 minus 7y plus 9 is equal to minus 2y. What should be the next step? सबसे पहले ये 26 plus 9 कर रहे हैं, like terms को सबसे पहले इकट्ठा करना पड़ता है. तो बताओ जी, 26 plus 9 कितना हो जाएगा? 26 plus 9 बेटा? 30? 32. रब्बा क्या हो गया बेटा, इतना कंफ्यूज नहीं होना. 26 प्लस 9 35 होगा. 35 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 2y. अगला स्टेप बोल बच्चे क्या करूं? इस टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं? Yes. इधर ये माइनस का है, जब इस तरफ आएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस 35 इज इक्वल टू प्लस का 7y माइनस 2y. बैठ जाओ बेटा. 8C साहिल, साहिल फ्रॉम 8C. आ जा बेटा आगे, बताओ क्या करूं?
अगला स्टेप बोल बेटा, व्हाट इज 7y-2y? फाइव या 5y? फाइव। बाकी क्या बोल रहे हैं वो नहीं सुनना, आपका दिमाग क्या कह रहा है वो बताओ। फाइव बाई फाइव वाई, 35 इज इक्वल टू 5y। अगला स्टेप क्या करूं, मुझे y की वैल्यू चाहिए, व्हाट शुड आई डू? बेरी वाई। हाँ जी, डिवाइड। इधर उधर से सुन के बोलोगे तो गड़बड़। डिवाइड करूं तो पर किससे करूं ये तो बता बेटा। फाइव से, यहाँ 5y पड़ा है, मुझे y बनाना है, मतलब 5 से डिवाइड, या मैं कहूँ इधर जो टर्म मल्टीप्लाई में थी इधर आके डिवाइड में चली जाएगी, तो 35 डिवाइड बाय 5 इज y, इसका मतलब y की वैल्यू 7। अभी बहुत गड़बड़ हो रही है, आधी बातें समझ में आ रही हैं और आधी गायब भी है। चलो कोई बात नहीं, चलो सीट पर अगली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान से करना। टू टाइम्स जेड प्लस थ्री प्लस थ्री टाइम्स जेड प्लस वन इज इक्वल टू 8z-9। सबसे पहला स्टेप क्या होगा जल्दी से बता दो पहले मुझे, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी, आपको मालूम है बॉड मास का रूल हर जगह चलता है, अगर ब्रैकेट आ गई तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट के बाहर दो पड़े होने का मतलब ये दो इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सेम वे ये तीन इससे भी मल्टीप्लाई होगा और तीन इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और वो पहले ब्रैकेट खोल दो जल्दी से, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी, अभी मैंने बुला के पूछना है माइक के पास, तो थोड़ा जल्दी से काम करने की कोशिश करो। किसी की भी टर्न आ सकती है, तो बी क्विक टू सॉल्व, ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट, कंबाइन द लाइक टर्म्स, फिर उसके बाद अगली बात पर चलेंगे। सबसे पहला काम ब्रैकेट्स को ओपन करना है, फिर जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे, फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। हाँ जी, ये पहली ब्रैकेट खोलूं तो क्या मिलेगा? मैम 2z+6। अगली टर्म में क्या मिलेगा? 3z+3 = 8z-9। अब यहाँ पर जो लाइक टर्म्स पड़ी हैं, ये और ये, इसको इकट्ठा कर दो, इसको और इसको इकट्ठा कर दो, क्या मिला? 6+3 = 9z-9। अब क्या करूं अगला स्टेप? वेरिएबल्स को शिफ्ट कर दें, वेरिएबल एक तरफ, कॉन्स्टेंट से एक तरफ, ठीक है जी, यही यही स्टेप्स है मेरे पास। ये जो 8z पड़ा है इसको इधर लेके आऊंगी तो कैसा होगा ये? माइनस 5z-8z = -9, और ये 9 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? -9। अब सोच समझ के आंसर करना, 5z-8z कितना? -3z - 3z = -18। माइनस माइनस कैंसल, तो z की वैल्यू कितनी? 6। डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ 3 से, या मैं कहूं जो यहां मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा,
तो z की वैल्यू आ गई सिक्स। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? yes. एक क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन दे रही हूँ, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बता देना। अब आंसर नहीं देते हो ना फिर थोड़ी सी गड़बड़ लगती है। 5 टाइम्स u माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स u प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगेन यहां जरा ध्यान से सोच समझ के काम करना। हाँ जी खोल दी ब्रैकेट सबने। मैम यस। 5u माइनस 5 अगला बताओ जी, क्योंकि बाहर नेगेटिव पड़ा है तो अभी क्या हो जाएगा ये? ये u प्लस का था, बाहर माइनस पड़ा है तो क्या बनेगा? माइनस माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स। 5u माइनस 2u माइनस 5 माइनस 16 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये माइनस की टर्म इधर शिफ्ट की तो प्लस। अब 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो आंसर। बच्चों समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? एट्थ सी स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग व्हाट वी आर डूइंग? एट्थ ए समझ में आ रहा है बच्चों? चलो जरा एक क्वेश्चन और कर दो जल्दी से फटाफट। अब यहां पर एक पॉइंट जो आपको हेल्पफुल हो सकता है पहले हम वो डिस्कस करते हैं फिर आगे चलेंगे। बच्चों पहले ये बताओ क्या ऐसी इक्वेशंस हम लिख सकते हैं जिसमें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो डेसिमल में हो जाएं कि नहीं? चेंज नहीं हो सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं कि नहीं पहले तो ये बताओ। क्या ये सही इक्वेशन लिखी है, लिख सकती हूँ कि नहीं ऐसी इक्वेशन पहले बता दो जल्दी जल्दी बोलो। yes, yes. प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये पड़ा है फ्रैक्शन में, बाकी सब कुछ है डेसिमल में, तो क्या मेरे लिए आसानी हो जाएगी अगर मैं इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करूँ? बताओ जरा क्या आएगा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके? कन्वर्ट 3/5 इनटू डेसिमल एंड टेल मी व्हाट आर यू गेटिंग? 0.6। 3 को जब 5 डेसिमल 0 5, 6, 30. So I rewrite my equation as 9.3t plus 0.6 is equal to 2.70, 13.8. अब फिर से वही variable एक तरफ constant एक तरफ। 9.3t जो इधर पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव जाके नेगेटिव। बताओ जरा 9.3t में से अगर 2.70 चले जाएं तो क्या मिलेगा? मैम 6.60 या 5.60? आई विल गेट 6.60। 9.3 में से 2.7 माइनस करना है, कैरी लिया 13 माइनस 8 60 और यहां क्या आएगा? 13.2। 13.8 में से 0.6 माइनस करना है सो 13.2। कैसे निकालेंगे? 13.2 डिवाइड बाय 6.6। सबसे पहले डेसिमल हटा देते हैं, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं दोनों में डेसिमल के बाद। चलो इसको प्रॉपर लिखी लेते हैं, डेसिमल हटाते हैं तो जीरो चली जाती है ये मालूम है। ताऊ जी क्या आंसर बनेगा? 132 डिवाइड बाय 66। क्या 66 टू द 132 होगा? 6 टू द 12 प्लस 113 सो आंसर फॉर दिस इज ओके जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने देखा लीनियर एक्सप्रेशंस, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड हाउ टू गेट दैट सॉल्यूशन। दो मेथड की बात की, एक ट्रांसपोज करने की टर्म्स को और दूसरी तरफ सेम ऑपरेशन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन सो दैट बैलेंस इज मेंटेन्ड एंड ऑन द वन साइड आई हैव ओनली द वेरिएबल्स।
ठीक है जी, तो आज हमने बिल्कुल सिंपल सिंपल इक्वेशंस के सिंप्लीफिकेशन की बात की है, अगली क्लास में थोड़ी सी डिफिकल्ट की बात करेंगे, एंड मेक श्योर कि आपको एलसीएम लेना आता हो अगली क्लास में, हाउ टू सॉल्व द एक्सप्रेशंस बाय टेकिंग एलसीएम एंड हाउ टू टेक द एलसीएम, पहले यही बात हम डिस्कस करेंगे फिर हम अगली चीज पे चलेंगे, ठीक है बच्चों? ओके जी, ओके, बाय बाय, थैंक यू।